नमस्कार दोस्तों, संयम बुटीक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम गले में अंडरग्राउंड लैस लगाएंगे। तो दोस्तों, ये लैस किस तरीके से लगानी है ये हम आपको पूरी डिटेल से बताएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। तो देखिए, ये हमने गोल गला लिया है। आप अगर होर गले में लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, गोल पान स्वीट हार्ट किसी भी गले में आप लगा सकते हैं, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इस लैस को लगाना कैसे है मैं मशीन पर आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, हमने सबसे पहले कपड़ा लिया है। कपड़े में हम गले की ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे, 5.25 आपने गले की ब्रॉडनेस रखनी है। देखिए 6 से 2 सूत कम, तो ये गोल गला आपको यहाँ पे इस निशान पे सेट कर लेना है पहले। एक तरफ इस तरह से सिलाई लगाएंगे ताकि गला आपका इधर उधर ना हिले। अब आपको इधर से सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर सिलाई लगानी है आपने, बिल्कुल 1 सूत के मार्जिन से। तो देखिए, ये सिलाई हमने बुकरम के ऊपर लगा ली है। अब इसके बाद इसको कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और ये सिलाई आपको लगा लेनी है। ये देखिए, सिलाई लगाने के बाद आपको ये एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग कर देना है। तो देखिए, ये हमने कटिंग कर दिया है कपड़ा। अब आपको इसमें एक सिलाई लगानी है, यहाँ पे बुकरम की जड़ में सिलाई लगानी है। बिल्कुल बुकरम के ऊपर आपको सिलाई नहीं चढ़ानी है, बिल्कुल बुकरम की जड़ में सिलाई आपने एक लगा लेनी है। तो देखिए, हमने ये बिल्कुल बुकरम की जड़ में सिलाई लगाई है। ये देखिए, जो सिलाई हमने बिल्कुल बुकरम की जड़ में लगाई है उस सिलाई के ऊपर हमें ये लैस लगानी है, अगली पिछली सिलाई के ऊपर बिल्कुल नहीं लगानी। जो हमने जड़ में लगाई है बुकरम के, उसके ऊपर आपको लैस रख लेनी है, उसी सिलाई के ऊपर जो हमने बुकरम की जड़ में सिलाई लगाई है, उतनी लैस आपको रखनी है जितनी आपको दिखानी है बाहर ये। तो देखिए, मैं इसको इस लैस को इतनी दिखाऊंगा, तो मैं इसको इस सिलाई के ऊपर इतनी ही रखूंगा और बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर आपने सिलाई लगानी है जो आपने बुकरम की जड़ में सिलाई लगाई है, बिल्कुल उसी के ऊपर लगाएं, बिल्कुल एकदम गोलाई में। तो देखिए, लैस का जो मुंह है ऊपर की ओर रहेगा, ये सीधी साइड है ऊपर की तरफ और ये उल्टी साइड हमारी नीचे की तरफ है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लैस का जो सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ आपने रखनी है और आपने बिल्कुल जितनी लैस दिखानी है उतनी आपने सिलाई लगानी है। तो देखिए, हमने सिलाई लगा ली है, बिल्कुल जो बुकरम की जड़ में सिलाई थी उस सिलाई के ऊपर हमने लैस को लगाया है, आपने उसी सिलाई के ऊपर लगाना है, ये आगे पीछे नहीं करना, नहीं तो आपकी गोलाई जो है गले की खराब हो जाएगी। बिल्कुल उसी की शेप में आपने घुमाना है। अब ऐसे डबल कर लेंगे गले को और एक सेंटर कट लगा लेंगे। अब हमें लेना है कमीज का फ्रंट। देखिए, इस तरीके से फ्रंट लेंगे कमीज का। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से सेंटर मिला के रखेंगे गले का, और यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले सेंटर लगा लेना है ताकि आपका गला इधर उधर हिले डुले ना, बिल्कुल एकदम आपका गला सीधा लग जाए। ये सेंटर मिला लें बिल्कुल गले को सीधा करके एकदम, ये सिलाई कच्चा लगा लेंगे ये। तो देखिए, हमने कच्चा लगा लिया, गला हमारा एकदम सेंटर में है। अब आपको सिलाई उसी सिलाई के ऊपर लगानी है जो हमने लैस लगाने में यूज की है, बिल्कुल जड़ में सिलाई लगाएंगे,
बुकरम की, बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर लगानी है सिलाई जितनी सिलाई हमने लैस को दिखाते हुए लगाई है, ताकि हमारी लैस बराबर दिखाई दे बाहर। तो सिलाई हमने लगा ली है, अब एक पैर के मार्जिन से इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद गोलाई में कट लगा देंगे। तो देखिए गोलाई में कट हमने लगा दिए हैं। ये कट लगाने से क्या होता है, जब हम गला पलटेंगे बिल्कुल एकदम गोलाई में हमारा गला आ जाएगा, तो आपको गोलाई में कट जरूर लगा लेने हैं। तो अब हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से, देखिए बिल्कुल लैस देखिए हमारी एकदम बराबर आई है। अब हमें इसमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है, तुरपाई के बाद कच्ची सिलाई खोल देंगे। पहले आपको इसको कच्ची सिलाई लगा लें। तो देखिए दोस्तों कच्ची सिलाई लगाने के बाद हमारी ये लैस इस तरीके से आई है। ये देखिए इसकी उल्टी साइड लैस एकदम हमारी गुम लगी है, बिल्कुल फिनिशिंग से बिल्कुल सफाई से लगी है। आपको इस तरीके से लैस लगानी है, कभी भी आपने गुम लैस लगानी हो तो इस तरीके से आप लगाएं, बिल्कुल एकदम सफाई से आपकी लैस लगेगी, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें शेयर करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।